हेलो राधे राधे, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत हो रही है ठाकुर जी के दर्शन से। शाम के बज रहे हैं 5, मैं आप सबके साथ ना सुबह बोलने वाली थी, तो अधिकांश वीडियो सुबह से चालू करती हूँ ना, तो बस वही एक बोलने में जो है ना हो जाता है मुझसे। तो शाम के 5 बज रहे हैं, पंडित जी अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जैसे कि आप सबको पता है, तो बस वो पाठ करने बैठ गए हैं। और मैंने जो दोपहर में बर्तन धो के रखे थे उन बर्तनों को मैं अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी, और जैसे कि हमेशा होता है बर्तन धो के रखती हूँ वैसे ही जो है ना फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह की डलिया जो है ना बहुत अच्छी होती है, तो प्लास्टिक की डलिया खरीदने से अच्छा है आप इस तरह की डलिया खरीदा करो, बहुत बढ़िया होती है। ये डलिया मेरे घर में 8-9 साल से, मतलब बहुत अच्छी डलिया है। इसको मैंने पेंट कर दिया है, जो मेहरून कलर होता है ना उसे पेंट कर रखी है, तो बढ़िया लगती है ये। इसमें आलू रख लीजिए आप, बाकी सब्जियाँ रख लीजिए, बढ़िया लगती है, मतलब देखने में भी सुंदर लगती है। तो बस ये काम भी जो है ना मेरा निपटने वाला है। इसके बाद जो है ना मुझे करना है इससे भी ज़रूरी काम, वो ये है कि मुझे साफ करना है, क्योंकि ज्वार बाजरे का आटा सर्दियों में हम लोग खूब खाते हैं, तो घर में ही आटे को जो है ना हम पिसवाते हैं, मतलब ज्वार बाजरा, खड़ा ज्वार बाजरा लेते हैं, उसको बीनते हैं, साफ करते हैं, फिर जो है ना उसको बीन कर हम लोग खाते हैं, और ठाकुर जी का भोग भी जो है ना उसी आटे का लगता है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन लगा दूंगी और फिर जो है ना ये मैं सारे काम करूँगी। सुबह का काम तो घर गृहस्थी के कामों में निकल जाता है, घर गृहस्थी के काम मतलब ये भी घर गृहस्थी के काम है, मतलब खाना बनाने वगैरह में ये सारे में लग जाता है। और आजकल जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिकट वाली ठंड है, मतलब ऐसा हो रखा है कि 10 दिन से जो है ना सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी थोड़ी ना रुकती है, चाहे सूर्य देवता निकले ना निकले, लेकिन काम तो हमें करना ही करना है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मुझे एक काम निपटाना है तो बस कपड़े वपड़े पहनकर जो है ना अपने कामों में लग जाती हूँ। वैसे सर्दियों का समय ऐसा समय होता है कि इन दिनों जो है ना बिल्कुल काम करने का आपका मन नहीं होता, ज़िंदगी थोड़ी सी जो है ना ठहर सी जाती है। अगर आप गर्मियों की ज़िंदगी देखोगे तो थोड़ा सा स्पीड में जो है ना काम रहता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने का। लेकिन ये काम पेंडिंग पड़ा है, तो बस मैं यहाँ पर ज्वार को छान कर बीन कर, वैसे अगर और गर्मियों में, अगर वैसे तो गर्मियों में ज्वार कोई खाता ही नहीं है, लेकिन अगर धूप निकलती ना तो मैं इसको धोकर भी डालती, लेकिन अभी तो सूखने का कोई चांस ही नहीं है, तो केवल मैंने अच्छे से इसको फटक लिया है, छान लिया है, और इसको अच्छे से बीन कर जो है ना फिर मैं इसका आटा पिसवाऊंगी। काम करते करते रात हो जाती है और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो यहाँ पर पंडित जी जो है ना बाती बना रहे हैं आरती के लिए। सुबह शाम के समय हमारे घर में आरती होती है, आप सबके घर में भी आरती होती होगी, तो हम जो है ना मार्केट से कभी बातियाँ नहीं लेते हैं, हमेशा अपने घर में ही बनाते हैं, और ये काम जो है ना पंडित जी का ही है, ये काम मैंने उनसे नहीं सीख पाया है। तो झूठ क्यों बोलना, सच है तो सच है, क्योंकि मुझे नहीं आती अच्छे से बातियाँ, बना लेती हूँ पर अच्छे से नहीं आती हैं, जितनी पंडित जी बहुत अच्छे से बनाते हैं, मतलब इनकी बात ही ऐसी रहती है कि उसको मतलब खड़ा कर दो ना तो खड़ी ही रहेगी, मतलब गिरती नहीं है, तो मतलब बहुत अच्छा होती है, एक हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है। तो यही बात पंडित जी बनाते हैं बाती, और इस तरह से बनाते हैं जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो तो समझ ही गए होगे, कॉटन से बनती है। और इन्हीं बातियों से जो है ना मैं हमेशा जब भी आपको पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती हूँ तो यही बातियाँ प्रज्वलित करती हूँ। सुबह शाम की आरती में भी यही बातियों का प्रयोग होता है। इनको किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, कैसे इनको मतलब घी में डिप करती हूँ, कैसे हमें करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि व्लॉग के साथ साथ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो व्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और जिनको बातियाँ बनानी नहीं आती, जिन लोगों ने नई नई गृहस्थी चालू करी है या अभी अभी पूजा करना शुरू किया है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो आप लोगों को शायद मुझसे भी जाना अच्छे तरीके से आप लोग मेंटेन करते होंगे, लेकिन हम लोग किस तरह से करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है ना मैंने गाय का घी जो है ना गर्म कर लिया है, आप रेगुलर घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर गाय का होता है तो बहुत अच्छा होता है पूजा पाठ में। अब देखिए आपके शहर में जैसा मिलता है वैसा आप यूज़ कर लीजिए। इसके बाद जो है ना अभी सर्दियों का समय है तो मैंने हल्का गुनगुना जो है ना घी को कर लिया है, और उतनी ही बाती मैंने घी के अंदर डाली है जितना मतलब
अच्छे से जो है ना बातियां घी को अच्छे से एग्जॉर्ब कर ले और अच्छे से जो है ना बातियां जो है ना बढ़िया से घी पी ले। जब बातियां अच्छे से घी पी लेती हैं तो ये बाती जो है ना 10-15 मिनट आराम से जो है ना चलेगी, अगर इन्होंने अच्छे से घी पी रखा होगा। अगर नहीं पिएंगी तो वैसे ही जल जुलू के जो है ना अलग हो जाती हैं, तो इनको घी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। घी जब अच्छे से ये पी लेती है, मतलब 5 मिनट इनको हिला हिलू के आप अच्छे से रख लीजिए, जब अच्छे से ये घी पी लेना, उसके बाद मैंने एक बड़ी परात ले ली है। ये परात में जो है ना मैं डेली आटा गूंथती हूँ, इसमें हमने किसी ने भोजन कभी नहीं किया है, लेकिन बस किचन में इसको यूज़ करती हूँ, तो इसी में जो है ना इस बातियों को मैं अलग अलग इस तरह से निकाल के रख दूंगी। तो इससे क्या होगा, जो घी होता है ना वो बातियां प्रॉपर एग्जॉर्ब कर लेती हैं, और दूसरी बात बातियां जो है ना एक दूसरे जैसे चिपकती नहीं है। जैसे कि अभी सर्दियों का समय है, 10-15 मिनट बाद अगर आप इन बातियों को देखोगे ना तो एकदम ये बातियां जो है ना एक दूसरे से चिपट जाएंगी और फिर बहुत मुश्किल से जो है ना निकलती हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी बातियां भी नहीं होंगी आपकी अगर आप इस तरह से फैला के अगर इनको रख देंगे। अगर गर्मियों के समय अगर आपको करना है तो इस तरह से निकालने के बाद इन बातियों को मतलब प्लेट सहित जो है ना फ्रिज में रख दीजिए, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना ये सेट हो जाएंगी और आपको निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। और निकालते समय कई बार होता है हम एक बाती को दूसरी बाती से जब अलग करते हैं ना तो बाती जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो फिर जलने में भी दिक्कत करती है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग अपनाते हैं आइडिया। आप चाहें तो एक एक बाती अच्छे से डिप करके भी आप रख सकते हैं। आपके पास अगर खूब सारे दिए हैं तो दियों में भी जो है ना बाती को आप लगा लगा कर उसमें थोड़ा सा घी डालकर उनको अच्छे से मेंटेन करके आप रख सकते हैं, लेकिन उस तरह का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम तो इस तरह से ही करते हैं, मतलब बातियों को अच्छे से इसमें से अच्छे से फिर सूख गई हैं बातियां। अब जो है ना अगर हमको एक्स्ट्रा इसमें घी डालना होगा तो घी जो है ना अलग से डाल देते हैं, तो ये बाती भी बहुत अच्छे से जलती है। और अगर आप चाहते हैं कि बाती को हम काफ़ी टाइम तक जलाएं तो एक्स्ट्रा आप इसमें घी डाल दीजिए, मतलब दीपक में आप घी डाल दीजिए, तो ये बाती बहुत अच्छे से जलेगी। ये बाती बुझती नहीं है, आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में तो इन बातियों को देखा ही देखा होगा। तो हम जो है ना रेगुलर पूजा में गोल वाली बाती का ही यूज़ कर सकते हैं। लंबी बाती भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि लंबी बाती बेकार होती है, लंबी बाती का भी अपना एक महत्व है, लेकिन डेली यूज में जो है ना गोल बाती आसान हो जाती है। डेली लंबी बाती कौन बनाए, फिर कौन उसको घी में डुबोए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और फिर देखिए अपनी अपनी सुविधा है। तो सुबह सुबह का समय हो गया है, पूजा का टाइम है। यहाँ पर लड्डू गोपाल को पहले मैंने भोग लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और आपको दीपक जलाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इस दीपक को जलाते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वीडियो तो डेली आते ही हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने सिर नहीं ढक रखा है, मैंने सिर पर टोपा लगा लिया है, तो वो सिर ढकने का ही जो है ना काम कर रहा है। और फिर थोड़ा दुपट्टा डाल देते हैं ना तो पूजा करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो उस वजह से मैंने केवल टोपा लगाकर जो है ना मैं भगवान की यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हूँ। पंडित जी अपनी उसी पूजा पाठ में जो है ना बिजी हैं जो वो अपनी रोज करते हैं। ये वही बातियां हैं जो हमने रात में बना के रखी थी, तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो गई हैं। इन बातियों को जब ये अच्छे से सूख जाती है ना तो इस तरह से जो है ना इन बातियों को हम भर देंगे एक डिब्बे में, जो कि मेरी रेगुलर बाती का डिब्बा है, तो उसमें इनको स्टोर करके रख देती हूँ। 15 दिन तो आराम से चलती हैं, क्योंकि डेली की 5 बातियाँ तो लगती ही लगती हैं और कभी तो 6-7 भी हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा कम ही दिन चलती हैं, लेकिन डिब्बा भर के जो है ना हम लोग बना के रख लेते हैं, ताकि मार्केट से हमारे यहाँ बातियाँ कभी नहीं आती हैं, हमेशा घर में ही बनाते हैं हम लोग। अगर पंडित जी बाहर होते हैं तो मैं काम चलाने लायक बना लेती हूँ, वैसे इस तरह से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो ये परात होती है इसमें घी लग जाता है, तो इसमें क्या करती हूँ मैं आटा गूंध लेती हूँ, क्योंकि ये आटा गूंदने की परात है, तो यूज हो जाता है, बिल्कुल भी घी आपका वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप भी कर लीजिए। अगर आप और भी अच्छे तरीके से करते हैं तो वो मुझे मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगा तो मैं भी उस चीज को प्रयोग में कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना एक दूसरे से ही बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो है ना हमेशा इसी तरीके का जो है ना प्रयोग करती हूँ। चलिए अब हो गया आरती का टाइम, और इस बाती को जो है ना आप किसी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं, सफर का मतलब आप कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि हम जब तीर्थों में जाते हैं तो अपने साथ घी की बातियां माचिस ये सारा सामान लेकर ही जाते हैं, क्योंकि हर तीर्थ में आपको नदी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है जब भी आप नदी के किनारे जाएं, तीर्थों में खासकर आप नदी के किनारे जाएं, तो वहां पर आप दीपदान जरूर करें। इस तरह से आप बातियों को स्टोर करके आप कहीं भी ले जा
सकते हैं। अगर गर्मियों का समय है तो आप इसमें थोड़ा सा एयर टाइट वाला डिब्बा यूज कर लीजिए, बिल्कुल बाती में घी नहीं फैलेगा, हमने कई बार प्रयोग किया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये बहुत सरल तरीका रहता है, चार पांच जगह आप सामान लेके जाओ, मतलब घी अलग ले जाओ, बातियां अलग ले जाओ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए कितनी बढ़िया से ये बाती जल रही है, मैंने अलग से घी भी नहीं डाला है, वो इसलिए नहीं डाला है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। और ये बाती बहुत बढ़िया से जलेगी, कम से कम 10 मिनट ये बाती चलती है, 10 ना समझो तो 7-8 मिनट तो आराम से चलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको हमारा तरीका पसंद आया है तो आप भी इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप कोई अलग तरीके से करते हैं तो वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जो है ना यूं ही चलता रहे। और आप लोगों से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं कमेंट के थ्रू, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ, रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि नहीं हो पाता, आप सब समझ सकते हैं, ग्रस्त जीवन है, थोड़ा सा समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में कर्ज बहुत है तो इसके लिए अगर आप उपाय चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स कर कमेंट करके जो है ना जरूर बताना। एक अच्छा मुहूर्त आ रहा है तो उस पर मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।